सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भारत के भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छे से सिर्फ आप मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है आपको। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी क्वेश्चन को आपके माइंड में मैं कॉपी पेस्ट कैसे करता हूँ। ये क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि भारत के भूगोल से सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस गोलार्ध में है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी गोलार्ध में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, एक तो उत्तरी गोलार्ध में, एक उत्तर उत्तर डबल ऑप्शन में मिलता है डबल दिशा के अकॉर्डिंग पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। दोनों ऑप्शन में जो भी आपके सामने हो वो आप क्लिक कर सकते हो। सर ऐसे कैसे? अब मैं आपको नेक्स्ट लाइन में अकॉर्डिंग टू डायग्राम समझाता हूं। सभी को पता है ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये ग्लोबल है हमारा पूरा, ठीक है। बीचों बीच जो रेखा जाती है ये डोटेड वाली, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। एक बीचों बीच रेखा ये जाती है ऊपर से नीचे की ओर, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, देशांतर रेखा बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। अब ये देखिएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भारत की स्थिति कहाँ है? गिरी येलो कलर में, येलो कलर का भारत दिखाई दे रहा है। दिशा कौन सी बैटरी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर भी बोल सकते हो या उत्तर पूर्व भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसमें ऑप्शन में उत्तर पूर्व नहीं था, खाली उत्तर था, इसलिए मैं आपका उत्तर क्लिक किया है। इसलिए भारत कहां स्थित है विश्व में बच्चों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतनी बात आपको समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करते हैं जो भारत के भूगोल से एक्सेप्टेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलो अब बता देता हूं मैं, जो भारत की स्थिति में विस्तार है कितना है बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। चलो जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो है आपका वलांगू की बुथू बोलते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पश्चिम बिंदु सरक्रिक गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल या आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है, पीओके में, ठीक है भाई। इसके बाद आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार पर है, आपको 6 डिग्री 4 मिनट पर, क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। भारत के पूर्व तट में क्या है बच्चों? पूर्वी तट पर है बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम तट पर क्या है? पश्चिम तट पर है अरब सागर। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिम तट है। पूर्वी तट में भारत के 4 राज्य हैं और पश्चिम तट पर भारत के 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और इधर कौन से हैं 4? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, क्लियर है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, पूर्वी तट, जो पूर्वी तट है भारत का इसे किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम तट होता है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। केरल और कर्नाटक के मध्य का जो तट है मालाबार तट कहलाता है। कर्नाटक और गोवा के मध्य का तट केंद्रा तट कहलाता है। गोवा और दमन के मध्य का तट कोकण तट कहलाता है। दमन और गुजरात के बीच का तट काठियावाड़ तट कहलाता है, क्योंकि तट रेखा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन इसी बेस पर आधारित है, सब कुछ मैं आपको कवर कराने वाला हूं, सिर्फ आप अच्छे से माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी तट ये है आपका, पश्चिमी तट ये है, इन दोनों तटों को कौन सी पहाड़ी मिलाती है? ये नीलगिरी पहाड़ी मिलाती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला है इसे किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट होता है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तट को डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि डेल्टाई क्षेत्र किन दो राज्यों के मध्य स्थित है या कौन से तट पर स्थित है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। 8 में कौन कौन से हैं देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी? 3214 किलोमीटर। चलो ये दो क्वेश्चन छूट चुके हैं, ये भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। जो भारत की ये वाली लंबाई है बच्चों, ये वाली लंबाई, ये कितनी है और ये कितनी है? अब एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि जो भारत में
दो रेखाएं हैं, एक तो ये वाली रेखा है और एक ये वाली रेखा है। भारत की लंबाई ऐसे ज्यादा है या ऐसे ज्यादा है? ऐसे ज्यादा है। कितनी है? कैसे याद करोगे इसको? देखिएगा, मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। ये वाली लंबाई ज्यादा है, ये वाली लंबाई कम है। ये वाली लंबाई की कैसे याद करोगे? 1, 2, 3, 4, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये वाली लंबाई कैसे याद करोगे बच्चों? 2, 9, 3, 3, 2, 9, 3, 3। एक कितना है आपका? 2933 किलोमीटर है एक लंबाई भारत की, उत्तर से दक्षिण की, और उत्तर से दक्षिण की, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, और आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर भारत की। क्लियर है? एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपका बनता है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा दो बार काटने वाली एकमात्र नदी भारत में कौन है? माही नदी है। क्लियर है? इतना आपको पता होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मैप देखिएगा, मैं भारत की लंबाई थोड़ा गलत लिखा हुआ बच्चों, गलत टाइप हो रखा है। ये वाली लंबाई भारत की ज्यादा है या ये वाली ज्यादा है? सर ये वाली ज्यादा है। तो दो डिजिट याद रखने, 3214, 2, 9, 3, 3। इतने आप समझदार हो, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 121.02 करोड़ है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। अब तो 140 करोड़ के लगभग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5%, 17.5% करती है निवास भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैसे याद करोगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? क्वेश्चन नंबर सात का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? क्वेश्चन नंबर आठ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,716.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, भारत की मुख्य भूमि से लगी समुद्री तटीय रेखा की सीमा की लंबाई कुल कितनी है? क्वेश्चन नंबर दस का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग्यारह, भारत का मानक समय, जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि उन 5 राज्यों के आपको नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा रिप्लाई जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूरंड रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28। क्वेश्चन नंबर 14, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला राज्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? ये जो समुद्री सीमा रेखा होती है बच्चों, ये वाली की बात हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जनगणना की अवधि है कितने साल में होती है? एक बार प्रत्येक 10 साल में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1912 में घोषित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बांग्लादेश में तीन तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा राज्य, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आदम का पुल किसके मध्य स्थित है?
क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 246। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे अक्सर करके क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, कौन अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, मतलब कि पाक जल डमरू मध्य भी करता है, मन्नार की खाड़ी भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत का अक्षांश स्थिति क्या है या विस्तार कितना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, दोनों राइट है, उत्तरी अक्षांश भी और पूर्वी देशांतर भी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जनगणना किस अनुसूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में 7वें नंबर की अनुसूची है, इसमें 3 प्रकार की सूची है, एक आपकी राज्य सूची, एक आपकी संघ सूची, एक आपकी संवर्ती सूची। होती क्या है बच्चों, राज्य सूची, जिन विषयों पर केवल और केवल राज्य सरकार नियम व कानून बना सकती है, वह वस्तु वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। जिन विषयों पर नियम व कानून केंद्र सरकार बना सकती है, वह विषय संघ सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। जिन विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम व कानून बना सकती है, वह विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं, क्योंकि पूर्व की साइड जा रही है ना रेखा, इसलिए पूर्वी कहते हैं। उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं, उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं, अक्षांश रेखा है वो, और उत्तर की ओर जा रही है, ये डिफरेंस पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33, जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है, कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक है लघु विभाजन, 1951 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश की के साथ है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। क्वेश्चन नंबर 42,
एक समुद्री मील बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में हमारे 50 क्वेश्चन नहीं है, 42 ही क्वेश्चन है बच्चों। ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।